जो अफगानिस्तान में हमारे सिख भाई हैं, हिंदू भाई जो गुरुद्वारे में बहुत दिन से शरण लिए थे, उनको लेके बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, हमारे सभी परिवार वहाँ पे सुरक्षित हैं, गुरुद्वारे के अंदर हैं। कल कुछ मूवमेंट हुई थी, वो मैं बातों में डिटेल में अभी डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन हमारे सभी लोग वहाँ पे सुरक्षित हैं। किसी के साथ किसी भी तरह की कोई भी घटना नहीं हुई। जो 150 लोगों की बातचीत चल रही है, वो लोग गुरुद्वारे में परिसर में नहीं थे, वो अलग अलग जगह पर थे। उनकी क्या मूवमेंट थी, कैसे हुई, वो अलग है। लेकिन जो गुरुद्वारा प्रेमिसिस के अंदर लोग रुके हुए हैं या वहीं के आसपास के घरों में रह रहे हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, अपनी जगह पे हैं। निरंतर मैं उनसे संपर्क में हूँ। जो कुछ दो लोग पंजाब के थे जो कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर थे, वो कल शाम तक मेरे से संपर्क में थे, लेकिन आज सुबह से उनसे बातचीत अभी तक नहीं हो पा रही। कुछ और भी लोग थे जिनसे बातचीत हो रही थी कल तक, वो अभी आज बातचीत नहीं हो रही। लेकिन मैं सब लोगों को, देश और दुनिया भर में बस रहे लोगों को ये बताना चाहता हूँ, गुरुद्वारा प्रेमिसिस में रहने वाले जो कि 300 के आसपास लोग हैं, सभी सुरक्षित हैं, गुरुद्वारे के अंदर हैं, ये गुरुद्वारे के आसपास के घरों में हैं। ऐसी कोई भी घटना उनको किडनैपिंग की या उनके बारे में ऐसा कोई घटना कि वो उनके बारे में पता नहीं चल पा रहा, ऐसी कोई भी घटना सच्ची नहीं है।